ਉਸ ਟਾਈਮ ਐਨ ਵਗੈਰਾ ਹੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈ ਸਰ? ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਾਣੇ ਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੰਡੀ ਬੈਲਟ ਹੈ ਅਸ ਕਰਾਣੇ ਸਰ। ਮੈਂ ਉਹ ਹੁਣ ਤੇ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਹੋਣੇ ਵਾਲੀ ਔਰ ਮੈਂ देखिए, मैंने ये पहले भी कहा है, ये भारतीय प्रजातंत्र की ताकत है जिसने मजबूर कर दिया राहुल गांधी जी को गुजरात में जाकर के 7 दिन के भीतर 12 मंदिरों में दर्शन करने का। ये गुजरात की ताकत है जिसने राहुल गांधी को मजबूर कर दिया कि वो सरदार पटेल की प्रतिमा और उनकी मूर्ति के आगे सर झुकाएं। ये वही पार्टी है, वही परिवार है जिसने सरदार पटेल को भारत के सर्वप्रथम प्रधानमंत्री बनने के मौके से वंचित किया था। लेकिन कोई शायद आप में से ही मीडिया मित्र राहुल गांधी जी से ये पूछे कि क्या वो दिल्ली में अपने घर के पिछवाड़े वाले मंदिर में कभी गए हैं क्या? क्या लगता है गुजरात में उनकी पकड़ ढीली पड़ रही है? निश्चय नहीं, ये एक एक दिन गुजरने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर मजबूत होती जा रही है। जितनी बार राहुल गांधी प्रवास करके जाते हैं हमारी स्थिति और मजबूत होती है। और आप ये बात ध्यान में रखिए, नोट कर लीजिए, चुनाव की तिथियां आने तक ये वन साइडेड कंटेस्ट होने वाला है। बल्कि मुझे चिंता इस बात की है, राहुल गांधी की नहीं, चिंता इस बात की कि उन्होंने 2017 में 21वीं शताब्दी में भारत की राजनीति में, गुजरात की राजनीति में जात पात का जहर घोलने का प्रयास किया है। जो पार्टी अपने आप को धर्मनिरपेक्ष और प्रगतिशील कहती है, उसने एक जात को दूसरी जात के खिलाफ खड़े करने का प्रयास किया, एक व्यापारी वर्ग को दूसरे व्यापारी वर्ग के खिलाफ खड़ा करने का प्रयास किया। लेकिन आज का भारत, आज का गुजरात युवाओं का गुजरात है, वो तर्क पर चलता है। वो जानते हैं कि इनके पास कोई विकल्प नहीं, कोई ऑल्टरनेटिव एजेंडा नहीं, और उनका भविष्य यदि सुरक्षित है तो भाजपा के साथ, मात्र भाजपा के साथ।